So before starting the video, the comment of the day goes to Radha Tandon and Niharika Sodha. Thank you so much for all the love. Hi humans and welcome back to Humanities. So before getting into this video, we will follow up everything जो अभी तक तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा important है. नंबर वन, सबसे पहली चीज जो मैंने रिलीज करी थी वॉज जनवरी एंड फेब्रवरी का स्टडी प्लान, जब बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए थे मई में. ओके, तो मेक श्योर दैट यू वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट यू नो कि हमने जनवरी और फेब्रवरी में जो दीदी ने बोला था वो कर लिया है. उसके बाद बेस्ट टाइम टेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस. तो टाइम टेबल के लिए तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो सेम रहेगा, टाइम स्लॉट सेम रहेंगे, उसके लिए वो वाली वीडियो देखो, मैं इधर लिंक कर रही हूँ. उसके बाद वन मंथ स्टडी प्लान अप्रैल का, वो भी मैं डाल चुकी थी. ठीक है, हाउ टू स्टडी इन द मंथ ऑफ अप्रैल. जब हमारे पेपर मई से शुरू होने वाले थे तब मैंने ये वीडियो डाली थी और अभी भी अप्रैल ही चल रहा है, इसीलिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी. बट टुडे आई बी गिविंग यू अ वीडियो ऑन वन मंथ स्टडी प्लान मई टू जून. अब हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं मई से जून या जुलाई, जब भी होंगे वी डोंट नो दैट, बट पूरा मई हमारे पास फ्री है, वी हैव वन होल मंथ पढ़ने के लिए. तो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू स्टडी इन द मंथ ऑफ मई फॉर ऑल माय क्लास 12 स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड्स अभी होंगे. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो वी विल बी डिवाइडिंग आवर मई इनटू थ्री थिंग्स. मई में हम तीन चीजें जरूर 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 कवर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि हमारा ये सब कंप्लीटेड है, और नहीं है तो हम ये अभी करेंगे बैठ के मई के मंथ में. इट्स नेवर टू लेट. तो द फर्स्ट थिंग इज सिलेबस. अगर तुम्हारा अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है इवन वंस, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है. यू कैन मेक यूज ऑफ दिस मंथ. बट आई थिंक ऐसा तो कोई गया गुजरा ही होगा, तुम सबने एटलीस्ट थ्राइस अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा. राइट, नाउ कमिंग ऑन टू हाउ टू कवर दिस सिलेबस, मैं क्या बात कर रही हूँ. सो यू हैव टू रीड एंड गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक्स अगेन. नो मैटर तुम्हें जितनी भी रटी हुई है, इट्स नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू विल रीड योर एनसीईआरटीज वंस अगेन, यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज. ठीक है, नाउ बाय दिस आई डोंट मीन कि तुम 12-12 घंटे अपनी रीडिंग कर रहे हो. नो, यू विल डू स्मार्ट वर्क एंड यू विल डू स्पीडी रीडिंग. फाइन, स्पीडी रीडिंग करोगे तुम. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो बहुत शॉर्ट चैप्टर्स हैं बुक वन में, तो हम 1 आवर ईच में अपना एक चैप्टर रीड करेंगे. फाइन, बुक टू की बात करें तो 1 to 2 hours में हमारी रीडिंग हो जानी चाहिए क्विकली, ऐसे हम डेप्थ में नहीं बैठेंगे, वी विल जस्ट गो थ्रू इट. तो 1 hour भी मैंने बहुत ज्यादा बोला है, ये भी बहुत ज्यादा बोला है. एवरेज अगर हम एक चैप्टर का लेके चलेंगे, इट शुड बी 20 to 30 minutes. दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. तुम एक बार करके देखो, इफ इट वर्क्स फॉर यू, इफ इट इज यू नो क्लिकिंग इन योर माइंड, तुम्हारा यू थिंक कि हाँ रिविजन हो रहा है, तो यस प्लीज फॉलो दिस. दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक फॉर रिवाइजिंग योर सिलेबस. ठीक है, इससे क्या होता है, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें जो लैंग्वेज होती है एनसीईआरटी की वो याद होती जाती है, वो वर्ड्स हमारे माइंड में बैठ जाते हैं. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, स्पीडी रीडिंग दिस. ठीक है, डोंट बी अ फूल एंड डोंट सिट फॉर 12 to 8 hours just reading books. No, that is not what I mean go through your syllabus by speedy reading. ठीक है, तो मई का हमारा first part है syllabus को go through करना वापस by covering the NCERT and reading it quickly in a span of 20 to 30 minutes. हर एक chapter हम cover करेंगे. Now coming on to the second part, हम इसके बाद ये करेंगे, हमने अपनी reading करी, ठीक है, स्पीडी रीडिंग,
उसके बाद वी विल फॉलो आवर नोट्स, ठीक है। अब अगर नोट्स की बात करूं तो मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के नोट्स की पीडीएफ पड़ी हुई है। दिस इज द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट नोट्स पीडीएफ करके, गो एंड डाउनलोड देम, दे आर गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। तो सिलेबस के बाद आता है हमारा नोट्स का रोल इनटू द एक्शन। अब जैसे मैंने तुम्हें शुरू से बताया कि मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, तो हमने रीडिंग कर ली, फाइन। उसके दो दिन बाद, आफ्टर टू डेज, वी विल गो थ्रू आवर नोट्स फॉर रिविजन, ठीक है। दिस फेज इज फॉर रिविजन, फाइन। हमने सब पक्का कर लिया, ठीक है। वील बी रिवाइजिंग अगेन, वील बी फॉलोइंग आवर नोट्स, वील क्विकली रीड आवर नोट्स, वील गो थ्रू आवर नोट्स, वील मेमोराइज एवरीथिंग आफ्टर टू डेज ऑफ स्पीडी रीडिंग, ठीक है। तुमने सपोज पॉलिटिकल साइंस की तुम्हारा सिलेबस की रीडिंग खत्म हो गई विद इन थ्री डेज, ठीक है। नाउ ऑन योर फिफ्थ डे यू विल गो एंड रिवाइज योर नोट्स, अपने नोट्स से तुम रिवाइज करोगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड चीज जो हम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर्स, फाइन। दिस इज आवर थर्ड थिंग। आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी विल सिट एंड वी विल अटेम्प्ट पास्ट ईयर पेपर्स और एनी रैंडम क्वेश्चन आंसर्स। वी विल एनालाइज आवर ओन सेल्फ एनालिसिस, फाइन। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि पहले रीड करो, फिर नोट्स करो, और फिर अपने आप को क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू एनालाइज करो, अपने आप का बोर्ड एग्जाम लो, सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड एंड तुम्हारा बोर्ड्स में क्या सीन होगा, क्या तुम्हारा आउटकम होगा। वी गेट टू नो इन एडवांस। So this is our three-step plan which we'll be doing in the month of May, जो हमारे पास एक golden time है, plus point है हमारा, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम्हें speedy reading और notes बोला था, ये मैंने तुम्हें इस चीज को prepare करने के लिए बोला था, self analysis को accomplish करने के लिए बोला था, क्योंकि तुम बैठ के at least 5 past year papers attempt करोगे, ठीक है। एक हफ्ते में एक पास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट करो, दूसरे हफ्ते में दूसरा। वंस इन अ वीक यू विल सिट एंड गिव योरसेल्फ एनालिसिस पेपर, ओके। यू विल एनालाइज योरसेल्फ क्वेश्चन पेपर। अब चाहे वो पास्ट ईयर पेपर हो, चाहे वो किसी गाइड के रैंडम क्वेश्चन आंसर्स हो, क्वेश्चन नोट करो नोटबुक में और आंसर खुद से लिखना चालू करो, जैसे तुम बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे। So this is the ideal study plan जो तुम्हारा होना चाहिए। इसमें तुम्हारा रीडिंग हो रहा है, रिविजन हो रहा है और एनालिसिस हो रहा है। इससे अच्छा तुम अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। See this study plan जिसमें हमने तीन actions लिए हैं, which is speedy reading, notes and self analysis, fine। इसका हमारा जो टाइम होगा पर डे कितना होगा, मिनिमम 4 to 6 hours, दिस इज आई एम टेलिंग यू मिनिमम, फाइन। बकल अप गाइस, 6 hours तो करना ही चाहिए मई से तुम्हें, क्योंकि अप्रैल में बहुत रिलैक्सेशन हो गई है आई गेस। सो लेट्स से पॉल साइंस हम वीक 1 के लिए ले लेते हैं। हाउ विल वी यूज दिस वीक को हम कैसे डिवाइड करेंगे? हमारे शुरू के 3 days विल बी फॉर स्पीडी रिविजन, फिर 2 दिन नोट्स के लिए, या फिर तुम इसको कोलैबोरेट कर सकते हो, एक चैप्टर को रीड किया फिर उसके साथ साथ नोट्स भी पढ़ लिए, तो टोटल हमारा 5 दिन में हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, और बाकी जो दो दिन है उसमें हम अपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे 2, फाइन। एक दिन एक क्वेश्चन पेपर और दूसरे दिन दूसरा। दिस इज हाउ वी ब्रेक आवर वीक इनटू आवर तीनों चीजें, स्पीडी रीडिंग, नोट्स एंड सेल्फ एनालिसिस। दिस इज हाउ वील यूज आवर टाइम इफेक्टिवली, क्योंकि मई बहुत क्रूशियल मंथ है। दिस इज अ प्लस पॉइंट जो तुम्हें मिला है। डोंट लूज होप एंड जस्ट कैरी ऑन।
guys, that is it for today's video. Yahi sab tha for the study plan of the month May. This is the most crucial month. Give your 100% and don't forget to comment down below ki tumhe ye video pasand aayi ya nahi. Did you like the study plan? Did it help you in some way or the other? Happy learning, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.